आज मैंने सुना पढ़ा राष्ट्रीय परिषद के हमारे अधिवेशन से कांग्रेस के मित्रों के पेट में दर्द हो रहा है। वो कह रहे हैं कि भाजपा मोदी मोदी कर रही है और उस चक्कर में बाकी राज्य जो अच्छा काम कर रहे हैं उनकी उपेक्षा कर रही है। अरे कम से कम अब ये तो स्वीकार कर रहे हो कि गुजरात तो कर ही रहा है लेकिन बाकी राज्य भी शानदार काम भारतीय जनता पार्टी के कर रहे हैं। क्या मुकाबला है कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में? ये नेतृत्व बैठा हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व, मैं गर्व के साथ कह सकता हूं, है कोई लाल कृष्ण अडवाणी कांग्रेस के पास? है कोई लाल कृष्ण अडवाणी आज कांग्रेस के पास? लोग कहते हैं सबसे अलग पार्टी, पार्टी विद द डिफरेंस। ये केंद्रीय नेतृत्व बैठा है, इस नेतृत्व के सामने कांग्रेस का नेतृत्व बोना है। वो तो आज भी लिखा हुआ भाषण पढ़ता है, कुछ शब्दों पे जोर जोर दे के पढ़ देता है। एक नहीं दो दो मोनी बाबा है, एक तो बोलते ही नहीं है, दूसरे को भी हमने लोकसभा में कभी बोलते हुए नहीं देखा है। एक बार बोले सुखवती लाजवती, क्या बोले थे मैं भूल गया, कलावती, कलावती लीलावती के बाद मैंने दूसरा भाषण राहुल गांधी का लोकसभा में नहीं सुना। लेकिन हमारे मीडिया के मित्र भी बड़े अजब गजब है। अगर एक बैठक बुला ले महामंत्रियों की 2 घंटे की तो कहते हैं आज बड़ा काम किया, बैठक बुलाई, चर्चा की, जैसे चर्चा ही राष्ट्रीय कर्मकांड पूरा हो गया है। ये कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व का मित्रों मुकाबला नहीं कर सकती और हमें गर्व है भारतीय जनता पार्टी का ये नेतृत्व, देशभक्त नेतृत्व, भारत माता के चरणों में समर्पित नेतृत्व, प्रमाणिक नेतृत्व और देश की प्रगति और विकास के लिए प्रतिबद्ध नेतृत्व, इस पर भारतीय जनता पार्टी को हर कार्यकर्ता को गर्व है। और एक बार मैं कहना चाहूंगा, दोनों हाथ उठा के जोरदार तालियां बजा के हमारे नेतृत्व का स्वागत कीजिए, अभिनंदन कीजिए। हमारे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, उन्होंने कहा था अंत्योदय की बात, पंडित जी कहा करते थे जो सबसे पीछे है, जो सबसे नीचे है, दीन दुखी दरिद्र गरीब, वो जिसके पांव में बीमारी फटी हुई है वो ही दरिद्र हमारा नारायण है, उसकी सेवा कर लो तो समझो भगवान की पूजा हो जाएगी, वो गरीब। और इसलिए एक तरफ जहां विकास, माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा विकास, तेजी से विकास, संतुलित विकास और सबका विकास, मुझे कहती है खुशी है मित्रों कि भारतीय जनता पार्टी एक तरफ जहां पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के मार्ग का अनुसरण कर रही है, मैं सच कहना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते, काहे के लिए हम राजनीति कर रहे हैं? राष्ट्रीय पुनर्निर्माण के लिए राजनीति, जनता के कल्याण के लिए राजनीति, दरिद्र नारायण की सेवा के लिए राजनीति और एक समृद्ध विकसित मध्य प्रदेश के निर्माण के लिए राजनीति और वैभवशाली गौरवशाली हिंदुस्तान के निर्माण के लिए राजनीति है। यह भारतीय जनता पार्टी की सरकारें कर रही है। और उस नाते मैं कहना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जब मुख्यमंत्री बनते हैं, मंत्री बनते हैं, तो सत्ता के स्वर्ण सिंहासनों पर विराजित होना उनका लक्ष्य नहीं रहता। कैसे हम अपने आम कैसे तेजी से विकास करें और कैसे आम जनता का कल्याण करें, और इसलिए और आम जनता के कल्याण के लिए भी सबसे पहले वो दीन दुखी और गरीब, उससे तादात्म कैसे हो जाए, उसे एकात्म कैसे हो जाए, उसका सुख अपना सुख कैसे बन जाए, उसका दुख अपना दुख कैसे बन जाए। अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने काम किया है तो इसी भाव को लेकर काम किया है। जब मैं मध्य प्रदेश के बारे में सोचता हूं तो मुझे ये लगता है कि मध्य प्रदेश मेरा मंदिर है, उसमें रहने वाली जनता मेरी भगवान है और उस जनता का पुजारी शिवराज सिंह चौहान है, जनता के कल्याण के लिए राजी। और एक तरफ और इसलिए एक तरफ जहां विकास, जिसकी विस्तार से चर्चा माननीय नरेंद्र मोदी जी करेंगे, गुजरात के विकास की मैंने बात कही, कल छत्तीसगढ़ के विकास की डॉक्टर रमन सिंह जी बात कर रहे थे, गोवा के मुख्यमंत्री ने जो वहां का विकास किया है विस्तार से नरेंद्र भाई उस पर प्रकाश डालेंगे। लेकिन मध्य प्रदेश के संदर्भ में एक बात मैं जरूर कहना चाहता हूं बहनों और भाइयों, मध्य प्रदेश के बारे में कल अरुण जी कह रहे थे बीमारू, लेकिन छत्तीसगढ़ के अलग होने के बाद बीमारू नहीं, हम तो कंगाल हो गए थे, रिसोर्सेज सारे छत्तीसगढ़ में चले गए थे,
मध्य प्रदेश के पास कुछ नहीं बचा था, 1-2% मध्य प्रदेश की ग्रोथ रेट हुआ करती थी, लेकिन 5 साल लगातार 11वीं पंचवर्षीय योजना में मध्य प्रदेश की विकास अगर रही है, एवरेज ग्रोथ रेट 5 साल की मध्य प्रदेश की रही है 10.2% मित्रों, 10.2%। पिछले साल की हमारी विकास दर रही है 11.98%, सोच नहीं सकता था। यह मध्य प्रदेश के लोगों को चमत्कार से कम नहीं है। और कृषि की विकास के दर के बारे में अरुण जी को याद होगा, जब संगमा जी का फॉर्म भर रहे थे, मैंने कहा अरुण जी मध्य प्रदेश ने एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट 18% हासिल की है। उनको भरोसा नहीं हुआ, उनका नहीं नहीं जरा एक बार ढंग से सोचो। नितिन जी राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, मैंने नितिन जी से कहा कि नितिन जी मध्य प्रदेश की कृषि विकास दर 18.91%। नितिन जी को भरोसा नहीं हुआ, उनका जरा वेरीफाई करें। और भरोसा तब हुआ जब स्वामीनाथन कमेटी ने यह कहा कि मध्य प्रदेश की विकास दर, कृषि की विकास दर 18.91% है। और इसलिए एग्रीकल्चर का जो बेस्ट लीडर का अवार्ड है वो मध्य प्रदेश को देना चाहिए। और बाद में तो राष्ट्रपति महोदय ने कृषि कर्मण पुरस्कार दिया। अब 18.91% की विकास दर रीसेंट हिस्ट्री में हिंदुस्तान के किसी राज्य ने बहनों और भाइयों हासिल नहीं की, ये चमत्कार किया है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। और ये वैसे नहीं हो गया है, मैं बताना चाहता हूं आपको कि जब मैं मुख्यमंत्री बना था मध्य प्रदेश में 7.5 लाख हेक्टेयर जमीन में सिंचाई की क्षमता सृजित थी, 7.5 लाख। अंग्रेजों ने, राजा नवाबों ने और कांग्रेस की सरकार ने मिला के की 7.5 लाख हेक्टेयर जमीन में सिंचाई की व्यवस्था, लेकिन पिछले साल मध्य प्रदेश में हमने 21 लाख हेक्टेयर जमीन में सिंचाई करके दिखाई थी। इस साल 25 लाख हेक्टेयर और अगले साल करेंगे 28 लाख हेक्टेयर। छोटे छोटे बांधों का जाल फैल गया है मध्य प्रदेश में, एवरेज 400 लघु सिंचाई योजनाएं एक साल में पूरी करके दिखाता है मध्य प्रदेश। और जितनी बड़ी परियोजनाएं बरसों से लंबित पड़ी थी, किसी का शिलान्यास मोरारजी भाई देसाई ने किया था, किसी का शिलान्यास इंदिरा जी ने किया था, सब पूरी करके दिखाने का काम किया तो मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। एक चमत्कार नरेंद्र मोदी जी ने किया, साबरमती लगातार प्रवाहमान है आज और गुजरात को नंदन वन बना दिया है। लेकिन मैं भी कहना चाहता हूं मध्य प्रदेश का हमने अभियान प्रारंभ किया है, नर्मदा जी के पानी को लिफ्ट करके 49 किलोमीटर दूर ले जाके छिपरा मैया में डालने का। माननीय राजनाथ सिंह जी छिपरा के तट पर भी 2016 में महाकुंभ का आयोजन होगा और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं उस महाकुंभ में शुद्ध और पवित्र जो जल होगा वो नर्मदा मैया और छिपरा मैया का मिला जुला होगा। एक साल में पूरा कर देंगे, 2013 के अंत तक नर्मदा और छिपरा का मिलन हो जाएगा। अटल जी के सपने को हम भी साकार करने का काम करेंगे सिंचाई की तरह। और केवल इतना ही नहीं, नर्मदा जी के पानी को केवल छिपरा जी में नहीं, काली सिंध में, पार्वती में, गंभीर में, इन चार नदियों में डाल के अडवाणी जी ने इस योजना का शिलान्यास उज्जैन में किया था। माननीय अडवाणी जी गए थे, 16 लाख एकड़ जमीन में हम सिंचाई करेंगे, 3000 गांवों को पीने का पानी, 72 शहरों को पीने का पानी और उद्योगों के लिए भी पानी उपलब्ध करने का भी काम अगर करेगी तो मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। बिजली के मामले में देख लीजिए, 24 घंटे बिजली देती है गुजरात की सरकार, 24 घंटे बिजली दे रही है छत्तीसगढ़ की सरकार, बंबई में व्यावसायिक राजधानी में बिजली की कटौती होगी, दिल्ली में बिजली की कटौती होगी, लेकिन अब बिजली की कटौती नहीं होगी, गुजरात में नहीं होती, छत्तीसगढ़ में नहीं होती और मई के अंत तक मध्य प्रदेश के 53,000 गांव में 24 घंटे बिजली दे दी जाएगी। तेजी से काम चल रहा है, कितने ऐसे काम हम आपको बताएं। लेकिन जनता के कल्याण का जहां तक सवाल है, मैं कहना चाहता हूं जो सबसे पीछे का आदमी, सबसे नीचे का आदमी, गरीब आदमी, मध्य प्रदेश जैसे राज्य में हर राज्य ने काम किया है। कल डॉक्टर रमन सिंह जी ने विस्तार से फूड सिक्योरिटी एक्ट जो बनाया है उसकी चर्चा की। अरे गरीब को क्या चाहिए, सबसे पहले चाहिए गरीब को भोजन, रोटी चाहिए, भूखे भजन ना होए गोपाला, धर लो अपनी कंठी माला। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि अंत्योदय के मूल मंत्र को साकार करते हुए भारतीय जनता पार्टी की सभी राज्य सरकारों ने रोटी, सस्ती रोटी देने का काम किया है। छत्तीसगढ़ का विवरण आपने सुना है, कर्नाटक 2 रुपया किलो चावल देने का काम कर रहा है, गुजरात में भी सस्ता अनाज दिया जाता है,
मध्य प्रदेश भी 2 रुपया किलो गेहूं देने का काम कर रहा है, एक दिन की मजदूरी में महीने भर का राशन आ जाए ताकि मजदूर का पेट तो ढंग से भर जाए, 2 समय उसके बच्चे भोजन कर ले और बाकी मजदूरी अगर बचे तो दूसरे विकास के कामों में लग जाए। मध्य प्रदेश में हमने बनाई मुख्यमंत्री मजदूर सुरक्षा योजना, गांव में काम करने वाले मजदूर, शहरों में काम करने वाले मजदूर, इनके लिए बनाई मुख्यमंत्री मजदूर सुरक्षा योजना और रजिस्ट्रेशन किया मजदूरों का, 33 लाख परिवारों का रजिस्ट्रेशन मध्य प्रदेश में हमने किया और उनमें उनको 5 सुविधाएं सबको। नंबर 1, गरीब से गरीब मजदूर के बच्चों को पढ़ने के लिए पहली क्लास से स्कॉलरशिप देने का काम मध्य प्रदेश की सरकार करती है, पहली क्लास से स्कॉलरशिप, पहली क्लास में 75 रुपया महीना, जो पीजी क्लासेस में जाके 400 रुपया महीना बेटों के लिए और 500 रुपया महीना बेटियों के लिए हो जाती है। बहनों और भाइयों, हम चाहते हैं कि गरीब से गरीब का बेटा बेटी पढ़े, उसमें भी क्षमता होती है, प्रतिभा होती है, बुद्धि होती है, लेकिन पास पढ़ने को पैसा नहीं होता तो गरीब का बेटा बेटी बिना पढ़े लिखे रह जाता है। हम धन के अभाव में किसी गरीब के बेटा बेटी को बिना पढ़े रहने नहीं देंगे और इसलिए पहली क्लास से स्कॉलरशिप, और ये स्कॉलरशिप जो सामान्य निर्धन वर्ग के बेटे बेटी हैं उनको देने का भी काम करते हैं। एक बार एक बच्चे ने बड़ी मासूमियत से कहा, ब्राह्मण परिवार में जन्म लिया था, उसका मेरा अपराध क्या है, मुझे स्कॉलरशिप क्यों नहीं, मैं भी तो गरीब हूँ। तब से मध्य प्रदेश ने सामान्य निर्धन वर्ग आयोग बना के सामान्य निर्धन वर्ग के भी 13 लाख विद्यार्थियों को पहली क्लास से स्कॉलरशिप देने का काम करता है। तो मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी का शासन करता है। और केवल इतने ही नहीं, SC ST की स्कॉलरशिप अलग देते हैं, मजदूर की अलग मिलेगी, SC ST की अलग मिलेगी, OBC की अलग मिलेगी, ये नहीं कि एक दे दी तो दूसरी बंद करने का काम किया। मध्य प्रदेश में बचपन से मैं देखता था, अगर कोई मजदूर बहन बेटा बेटी को जन्म देती थी तो 1 हफ्ते भी आराम नहीं करती थी, बेटा बेटी को जन्म देने के दिन तक कई बार मजदूरी करती थी, और बाद में बेटा बेटी को जन्म दिया 4-5 दिन का हुआ और अपनी फटी साड़ी का टुकड़ा अपने माथे पे बांध के मजदूरी करने जाती थी, बेटा बेटी को खेत की मेड़ पर रख देती थी, दिन दिन भर मजदूरी करती थी। और तब मैं बचपन में ये सोचता था कि काश, क्या कभी ऐसा दिन भी आएगा कि इस बहन को भी बेटा बेटी को जन्म देने के बाद महीना 2 महीना आराम करने का अवसर मिल जाए। बहनों और भाइयों, वो सपना हमने साकार किया और हमने तय कर दिया कि मध्य प्रदेश में कोई भी मजदूर परिवार में अगर बेटा बेटी को कोई बहन जन्म देगी तो 1.5 महीने की छुट्टी, 1.5 महीने की मजदूरी भारतीय जनता पार्टी की सरकार उसके घर पहुंचाती है 7,000 रुपए और कहती, बहन घर आराम कर, बेटा बेटी को पालने का काम कर। लेकिन केवल बहन को छुट्टी नहीं, उसके पति को भी 15 दिन की छुट्टी, प्रसूति अवकाश, कि जा 15 दिन की मजदूरी ले भैया और अपनी पत्नी की सेवा कर। पत्नी तो हमेशा पति की सेवा करती है, कभी कभी पति को भी पत्नी की सेवा करनी चाहिए कि नहीं चाहिए, करनी चाहिए। और इसलिए हमका 15 दिन की छुट्टी, बच्चे की देखभाल करो, पत्नी की सेवा करने का काम करो, और इतने ही नहीं 1,000 रुपया और लड्डू खाने के लिए, जाते के लड्डू गांव में बनते हैं, मुझे पता नहीं कितने राज्यों में बनते हैं लेकिन मध्य प्रदेश में तो बनते हैं। अब बड़े घरों में बेटा बेटी जन्म ले तो बहन जाते के पौष्टिक लड्डू खाए, मध्य प्रदेश की गरीब बहन को भी अगर लड्डू खिलाने का काम किया है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बहनों और भाइयों किया है। ये बहुत मानवीय मामला है और इसलिए, और केवल इतने ही नहीं, अस्पताल में जाके बेटा बेटी को जन्म दे इसलिए जननी सुरक्षा एक्सप्रेस वो लेके अस्पताल जाएगी, अस्पताल में निःशुल्क इलाज होगा और जब घर बेटा बेटी को आएगी तो साथ में 1400 रुपए का चेक और लाएगी, जननी सुरक्षा का चेक। अब बेटा और बेटी का आना गरीब के घर में अभिशाप नहीं, वरदान बनाने का हमने काम किया है। अगर कोई दुर्घटना हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए, किसी परिवार में गरीब परिवार में मृत्यु हो जाए तो उसकी सहायता करने का हम अलग अलग काम करते हैं। अगर मृत्यु हो जाए तो 1.5 लाख रुपया देते हैं, उसके यहाँ गाय बैल भैंस भी मर जाए तो 15,000 रुपया देने का काम करते हैं, गधा खच्चर मर जाए तो 13,000 रुपया दिए जाते हैं, बकरा बकरी मर जाए तो 800 रुपया देते हैं, मुर्गा मुर्गी मर जाए तो 80 रुपया देते हैं और चूजा चूजी मर जाए तो 40 रुपया उसके भी देते हैं। अरे गरीब के लिए तो चूजा चूजी काफी है, अगर नुकसान हो तो कम से कम गरीब को उसकी भरपाई हो जाए तो उसकी जिंदगी आसान हो जाएगी, उसका रास्ता सरल हो जाएगा।
गरीबों के लिए बहनों और भाइयों इलाज एक समस्या है, अगर बीमार हो जाए तो कहां जाए। मुझे कहते हुए प्रसन्नता है, गुजरात की सरकार ने, कर्नाटक की सरकार ने, छत्तीसगढ़ की सरकार ने, गोवा की सरकार ने गरीबों के इलाज की अनेकों योजना बनाई है। छत्तीसगढ़ में स्मार्ट कार्ड की बात कर रमन सिंह जी कह रहे थे, मध्य प्रदेश में दीनदयाल अंत्योदय उपचार योजना हमने बनाई है, 30,000 रुपए तक का इलाज सरकारी अस्पतालों में निःशुल्क होगा। लेकिन अब तो एक योजना हमने और बना दी है कि सरकारी अस्पताल में कोई भी जाए, अमीर तो जाते नहीं है, अमीर तो जाते हैं प्राइवेट अस्पतालों में, सरकारी अस्पताल में जो कोई भी जाएगा उसकी दवाइयां जितनी भी लगेगी, पहले तो डॉक्टर एक पर्चा लिख देते थे कि जाओ मेडिकल स्टोर से दवाई खरीद लाओ। गरीब आदमी जाता था तो पता चला 1,000 रुपए 500 रुपए मेडिकल का बिल हो जाता था। अब बहनों और भाइयों, मध्य प्रदेश में हमने लागू की है सरदार वल्लभ भाई पटेल निःशुल्क औषधि वितरण योजना। अब एक नया पैसा किसी गरीब का नहीं लगेगा, सरकारी अस्पताल में जो जाएगा वो निःशुल्क सारी दवाइयां पाएगा, उसकी पूरी व्यवस्था की है। और कोई दवाई अगर अस्पताल में नहीं हुई तो सरकार खरीद के देगी, मेडिकल स्टोर पर जाएगा, अधिकृत कर दिए, दवाई का पैसा नहीं लगेगा। और फिर ब्लड टेस्ट और यूरिन टेस्ट, पता नहीं कौन कौन से टेस्ट, पैथोलॉजी टेस्ट भी जितने होंगे अब मध्य प्रदेश में फ्री होंगे, निःशुल्क होंगे, सरकारी अस्पताल में एक नया पैसा नहीं लगेगा। गरीब के इलाज की व्यवस्था हो जाए, कैंसर हो गया, ब्रेन ट्यूमर हो गया, किडनी खराब हो गई, लोग तड़प तड़प के मर जाते थे और तब मन में यह विचार आता था कि कैसे इस गरीब का इलाज हो। अरे जिस राज्य में गरीब इलाज के अभाव में तड़पता हो दम तोड़ दे, उस राज्य की सरकार को और मुख्यमंत्री को चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए, फिर राज करने का अधिकार नहीं है। हमने राज्य बीमारी सहायता कोष बना दिया, 1.5 लाख रुपए तक का इलाज गरीबों का हम उस कोष से कराते हैं, और ज्यादा धन की जरूरत पड़े तो मुख्यमंत्री स्वेच्छा अनुदान की राशि हमने बढ़ा दी, चाहे 2.5 लाख लगे, 3 लाख लगे, 4 लाख लगे, उसके इलाज की पूरी व्यवस्था की है। इलाज के अभाव में कोई गरीब मध्य प्रदेश में मौत के आगोश में नहीं जाएगा, ये पुख्ता व्यवस्था हमने की है। बाकी हमारी राज्य सरकारों ने भी की है, बेटी की शादी का काम, और तो और आदरणीय राजनाथ सिंह जी, अगर मृत्यु भी हो जाए तो अंतिम संस्कार तो पूरे सम्मान के साथ होना चाहिए, और इसलिए अंतिम संस्कार के लिए भी अब तक 2000 थी, अब 3000 रुपए की राशि गरीब को दी जाती है कि अंतिम यात्रा तो कम से कम पूरे सम्मान के साथ निकले। कोई वर्ग नहीं छोड़ा, हाथ ठेला ढकाने वाले, साइकिल रिक्शा चलाने वाले, हमाली करने वाले, घरों में काम काज करने वाली माताएं बहने जो झाड़ू लगाती है, जो पोछा करती है, कौन सी सरकारें उसकी तरफ ध्यान देती थी। पंडित दीनदयाल उपाध्याय के मूल मंत्र पर चलने वाली ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। हमने इनकी पंचायत बुलाई, हमने पूछा हाथ ठेला वाले से क्या करें तेरे लिए, साइकिल रिक्शा वाले से पूछा, उसने कहा साहब किराए का साइकिल रिक्शा चला रहा हूँ, 35 रुपया रिक्शे के मालिक को देता हूँ, दिन भर पसीना बहाता हूँ, 50-60 रुपए कमाता हूँ तो 35 उधर चले जाते हैं, मैं रिक्शे का अगर मालिक बन जाऊं तो मेरी जिंदगी सुधर जाएगी। बहनों और भाइयों, सभी हाथ ठेला और साइकिल रिक्शा चालकों को मध्य प्रदेश में मालिक बनाने का काम किया है तो मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। अब वो जितना कमाते हैं उनके घर में आता है, उनकी आय बढ़े, उनका जीवन स्तर ऊपर उठे। झाड़ू पोछा और बर्तन करने वाली बहनों को अब हम ट्रेनिंग स्किल्ड बनाने का काम कर रहे हैं, ट्रेनिंग दे रहे हैं ताकि अच्छा काम करके वो और ज्यादा आमदनी उसकी ऊपर बढ़ सके। केवल बांटने का काम नहीं, आमदनी बढ़ाने का काम उसका हमने अभियान चलाया हुआ है। स्ट्रीट वेंडर सड़कों पे जो फुटपाथ पे धंधा करते हैं, हर कोई आके उनको धक्का मार जाता है, पुलिस वाला आया डंडा हिलाया, इधर से हटा के उधर बिठा दिया, कोई हाथ ठेला पे सब्जी बेच रहा है यहां से हटा के वहां भगा दिया, उन सबके लिए भी हमने योजना बनाई है। 5,000 रुपए तक 2,500 रुपए का अनुदान, 5,000 रुपए की उनकी व्यवस्था की, और अलग अलग हॉकर्स कॉर्नर बना दिए, और पुलिस वालों से कह दिया खबरदार अगर इनकी तरफ उंगली उठाई तो तुम्हारी सलामती फिर नहीं है, ठीक कर दिए जाओगे। अरे गरीब को भी मान और सम्मान के साथ छोटा धंधा करने का भी अधिकार है। ये सारी सुविधाएं जो मजदूरों को दी वो इन वर्गों को देने का भी काम हमने किया है। और हमारे कारीगर, मैं कहना चाहता हूँ बड़ी विनम्रता के साथ, भारत में गांव स्वयं पूर्ण इकाई हुआ करते थे, पढ़ाई को काम मिलता था, लोहार को काम मिलता था, बसोड़ को काम मिलता था, सुनार को काम मिलता था, कुम्हार को काम मिलता था। मैंने अटल जी का एक भाषण सुना था बचपन में, जिसमें उन्होंने कहा था कि टाटा तो सबसे बड़े फावड़ी गैती बनाने वाले हो गए और बाटा जूता बनाने का काम कर रहे हैं,
तो नौजवान को घाटा हो रहा है। लेकिन माननीय अध्यक्ष जी मैं बताना चाहता हूं, इन कारीगरों को फिर से हम स्किल्ड बना रहे हैं, इनकी पंचायत में बुला रहे हैं और अलग अलग पंचायत में बुला के इन सब ने पूछा क्या करें। उनका साफ, अगर बैठने के लिए दुकान की व्यवस्था हो जाए, उपकरणों का इंतजाम हो जाए और थोड़ी बहुत ट्रेनिंग दे दे। केस शिल्पी पंचायत हमने बुलाई, बाल काटने वाले केस शिल्पी, हम का क्या करें। क्या साहब हमारे यहाँ गांव में आजकल कोई बाल नहीं कटवा रहा, लोग शहरों में जा रहे हैं। मैंने कहा क्यों, बोले स्टाइल से बाल काटने वाले वहां आ गए, हमें भी जरा स्टाइल सिखवा दो साहब, थोड़ी सी ट्रेनिंग हो जाएगी तो गांव में हमारा धंधा चल जाएगा। उनको स्किल्ड बनाने का काम कर रहे हैं। उनकी पत्नी फेशियल वगैरह सीख के, गांव में भी अब इसकी बड़ी जरूरत हो गई है, गांव में सच में गांव में भी शादी विवाह में वो होने लगा है, उनको उसकी ट्रेनिंग देने का काम कर रहे हैं। और गांव में हम एक तरफ मार्केट छोटा बना रहे हैं, यहाँ बढ़ई भैया बैठेगा, यहाँ लोहार भैया बैठेगा, यहाँ कुम्हार भैया बैठेगा, यहाँ धोबी भैया प्रेस करेगा, 8x10 की गुमटियां सबको आवंटित करने का की हमने योजना बनाई है। और 50,000 रुपए की व्यवस्था, 50,000 रुपए की, उनने कहा 50,000 तक हमको मिल जाए तो 50,000 की मार्जिन मनी भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार जमा करेगी, मार्जिन मनी हम जमा करेंगे, 5 साल तक 5% ब्याज सब्सिडी भी हम देंगे और उसका धंधा जमवाएंगे। अब बढ़ई लोहार कुम्हार बेरोजगार नहीं रहेगा, वो गांव में ही काम पाएगा। और हम ऐसे 53,000 गांव में कम से कम 5 लाख लोगों को काम से लगाने का काम आदरणीय अध्यक्ष महोदय करेंगे, उनकी जिंदगी बदलने का काम मध्य प्रदेश में करने का ये प्रयास हमने किया है। नौजवानों के लिए मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना, अब ये 24 घंटे बिजली केवल इसलिए हम थोड़ी दे रहे हैं कि ट्यूबलाइट जल जाए और बल्ब जल जाए, इसलिए बहनों और भाइयों कि मध्य प्रदेश की पूरी इकोनॉमी को हम वाइब्रेंट करना चाहते हैं। लघु उद्योगों का जाल, कुटीर उद्योगों का जाल छोटी पूंजी में शुरू हो जाते हैं, कम जमीन पर शुरू हो जाते हैं, पूरे मध्य प्रदेश में बिछाया जाएगा। एक तरफ बड़े उद्योग आ रहे हैं, हर बड़ा घराना आज मध्य प्रदेश की धरती पर आ रहा है, पंजाब से टेक्सटाइल यूनिट्स मध्य प्रदेश की तरफ आ रही है, TCS मध्य प्रदेश में आ रही है, इंफोसिस मध्य प्रदेश में आ रही है, पावर प्लांट हमारे यहाँ लग रहे हैं। लेकिन जब तक लघु और कुटीर उद्योग नहीं लगेंगे तब तक काम चलेगा नहीं, उनका हम जाल फैलाना चाहते हैं। हमने अपने नौजवानों से कहा तुम आगे बढ़ो, तुम्हें क्षमता है, प्रतिभा है, योग्यता है, जरा रिस्क लो। गुजरात की तरह माननीय मोदी जी मध्य प्रदेश वाले जरा रिस्क कम लेते थे, अरे हमका आगे बढ़ो, तुम्हें क्या कमी है। उनका साहब आगे तो बढ़ जाए, अपना छोटा मोटा उद्योग तो लगा लें, लेकिन पैसा कहां से आएगा। हमका टाटा बिरला अंबानी के पास कहां से आता है, कहले वो तो बैंकों से उठा लेते हैं। हमका तुम भी बैंकों में चले जाओ, कहा साहब बैंक हमें पैसा नहीं देते। बैंक कहते हैं कि पैसा दे कैसे, पहले गारंटी लाओ। हमारी गारंटी कौन लेगा, तो मैंने कहा तुम्हारी गारंटी मामा शिवराज सिंह चौहान लेगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार लेगी। एक अभिनव योजना हमने बनाई है कि 25 लाख तक का जिसको उद्योग शुरू करना है उसकी गारंटी मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार लेगी। अगर ये वापस नहीं कर पाए तो हम वापस करेंगे, 5 साल तक 5% ब्याज सब्सिडी भी देंगे और हर साल 1 लाख नौजवान, और ऐसी 5 साल में 5 लाख नौजवानों से 5 लाख लघु और कुटीर उद्योग मध्य प्रदेश की धरती के पर लगवाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। बहनों और भाइयों थोड़ा सा और अगर इजाजत हो जाए तो, और नहीं मैं तो बहुत अनुशासित हूं, मैं बैठ जाऊंगा तो। माता बहन और बेटी का सवाल है। मध्य प्रदेश की धरती में बचपन में एक जगह थोड़ा एक भाषण दे रहा था, मैंने कहा कि नहीं बेटी को आने देना चाहिए, तो एक माता खड़ी हो गई, कहले बेटी तो ले आए लेकिन बेटी में की शादी में दहेज के इंतजाम क्या तू करेगा। अब मैं चक्कर में पड़ गया, मुझे लगा सही बात है, ये बेटी आओ बेटी आने तो कहरे से काम नहीं चलेगा, बेटी को वरदान बनाने का काम करना पड़ेगा। तो मध्य प्रदेश में हमने बना ली लाडली लक्ष्मी योजना और हमने तय कर दिया कि मध्य प्रदेश में अगर बेटी पैदा होगी तो लाडली लक्ष्मी होगी। लाडली लक्ष्मी का मतलब यह है कि 30,000 रुपए के बचत पत्र बिटिया के नाम से खरीद के बिटिया के माता पिता के हाथ में दे देंगे। इसका फायदा यह होगा कि बेटी 5वीं पास करके 6वीं में जाएगी तो 2,000, 8वीं पास करके 9वीं में जाएगी तो 4,000, 10वीं पास करके 11वीं में जाएगी तो 7,500, 11वीं 12वीं में 200 रुपए महीना और जैसे 21 साल की हो जाएगी तो सीधे 1,18,000 रुपया बेटी को मिल जाएंगे, बेटी लखपति हो जाएगी। 13 लाख से ज्यादा लाडली लक्ष्मी आज मध्य प्रदेश की धरती पर हो चुकी है। बेटी पैदा हो तो लाडली लक्ष्मी, स्कूल जाए तो किताबें निशुल्क, यूनिफॉर्म निशुल्क, दूसरे गांव पढ़ने जाए तो साइकिल निशुल्क। पहले बेटियों को अकेले दिया करता था तो बेटे मुझसे कहते थे मामा तो हमारे भी हो,
लेकिन ध्यान केवल भांजियों का रखते हो, मामा हमारा नंबर कब आएगा? तो हमने पिछले साल तो भांजियों को भी साइकिल देना शुरू कर दी। दूसरे गांव जाओ तो साइकिल पे बैठ के जाओ, और बारहवीं में अगर बिटिया प्रथम श्रेणी में पास हो जाए तो गांव की बेटी कहलाए, और कॉलेज की पढ़ाई के लिए हर साल 5,000 रुपया और पाए, और बड़ी हो जाए तो मध्य प्रदेश वालों से मैंने कह दिया है शादी की चिंता भी मत करना, क्योंकि मध्य प्रदेश में जितनी माताएं वो सब मेरी बहनें, और वो मेरी बहनें तो उनकी बेटियां मेरी हुई भांजी। मैंने कहा मामा सीएम है, भांजी की शादी में कर्जा नहीं लेने दूंगा किसी भी कीमत पे। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना, मुख्यमंत्री निकाह योजना, बेटियों की शादी धूमधाम से, हजारों बेटियों की एक साथ, और अकेला ये नहीं, सरकारी पैसा नहीं मिलता, समाज आगे बढ़ता है। अब तो शादियों में टेलीविजन, मोटरसाइकिलें, अनेक प्रकार की चीजें समाज मिलकर देता है, एक गृहस्थी का पूरा सामान हो जाता है। और मैं इनका, जब हमारी लाडली लक्ष्मियां शादी के बाद ससुराल जाएंगी तो ससुराल जाके सासू माँ से कहेंगी खाली पीली नहीं आए, 1,18,000 लेके आए हैं, तो घर में भी बहू की इज्जत बढ़ जाएगी। एक नहीं अनेकों योजनाएं, पैदा होने से लेके अध्यक्ष जी अंतिम सांस लेने तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार को माँ बहन और बेटी के साथ खड़ा किया है, तो मध्य प्रदेश की सरकार ने किया है माँ बहन बेटियों 50% रिजर्वेशन से लेकर नौकरियों में, और केवल इतना ही नहीं, आर्थिक सशक्तिकरण हो इसलिए नौकरियों में भी, और राजनीतिक सशक्तिकरण हो इसलिए चुनाव में भी स्थानीय निकायों के हमने करने का काम किया है। और एक और फैसला मध्य प्रदेश में भी किया है कि अगर कोई छेड़छाड़ की घटनाओं में रहा तो उसका डाटाबेस बनाया जाएगा, उसको ड्राइविंग लाइसेंस रद्द, उसको बंदूक का लाइसेंस नहीं मिलेगा, उसको चरित्र प्रमाण पत्र नहीं दिया जाएगा, और सरकारी नौकरियों में पांव धरने की जगह उसे नहीं मिलेगी, निकाल के बाहर कर दिया जाएगा। बेटी अगर बचाना है तो माइंड सेट भी हमको ठीक है अध्यक्ष, माइंड सेट बदलना पड़ेगा। गुजरात में बेटी बचाओ अभियान चलाया, मध्य प्रदेश में भी बेटी बचाओ अभियान चल रहा है, और हमने केवल इतना बताना चाहते हैं कि अपने हाईकोर्ट के साथ मीटिंग करके जो कुख्यात अपराधी थे, ऐसे 3 लोगों को फांसी की सजा बलात्कार के आरोप में फांसी की सजा हुई है, तो बिटिया बचाने का भी अभियान चल रहा है। घुमक्कड़, अर्ध घुमक्कड़, विमुक्त जातियां, क्रिमिनल ट्राइब्स जिनको कहा जाता था, उनकी पंचायत करके उनको धंधे और रोजगार लगाने से काम लगाने का काम करूं। एक तीर्थ दर्शन और बता दूं, तीर्थ दर्शन योजना और बता, मैंने बुजुर्गों की पंचायत बुलाई। अब ये कल इंडेक्स ऑफ हैप्पीनेस की बात डॉक्टर जोशी जी कर रहे थे, इंडेक्स ऑफ हैप्पीनेस, जोशी जी इंडेक्स ऑफ हैप्पीनेस हमने तय किया, बुजुर्गों की पंचायत बुलाई, तो मैंने बुजुर्गों से पूछा तुम्हारे लिए क्या करूं? कहा बेटा हमारे तो बेटा बेटी रोटी नहीं देते ढंग से, तो भोजन का इंतजाम तो हो जाए। बहनों और भाइयों, ऐसे बेसहारा बुजुर्ग जिनको घर में ठीक से भोजन नहीं मिलता, मध्य प्रदेश ने फैसला कर दिया है कि मध्याह्न भोजन के साथ उनका भोजन भी बनाया जाएगा, और पूरे सम्मान से उनको भोजन कराया जाएगा। वो ही टेस्ट करेंगे मध्याह्न भोजन कैसा बनाए। लेकिन साथ में इस कानून को भी ताकत से प्रभावी किया है कि धन होते हुए भी अगर कोई माता पिता को भोजन नहीं कराएगा तो 3 महीने जेल भिजवा दिया जाएगा। बोलिए भेजना चाहिए कि नहीं? हम कहा तुम जाओ जेल, डराने के लिए ज्यादा भेजने की जरूरत नहीं है, इक्का दुक्का में काम चल जाता है। फिर एक बुजुर्ग खड़े हो गए और मुझसे कहा कि बेटा ये रोटी वोटी तो ठीक है, अरे बुढ़ापे में तीरथ तो और करवा दे। हमें चक्कर में पड़ गया, तीरथ कैसे करवाऊं? लेकिन बहनों और भाइयों, हमने बनाई मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना, 17 तीर्थ स्थान हमने चुने हैं, 17, चारों धाम, बद्रीनाथ, रामेश्वरम, द्वारकापुरी, जगन्नाथपुरी, तिरुपति बालाजी, शिरडी के साईं बाबा, काशी जी, वैष्णव देवी, अजमेर शरीफ, बैलंगड़ी चर्च, संवेद शिखर, 17 स्थान हमने तय किए। उन 17 स्थानों पर 60 साल से ज्यादा के जो भी बुजुर्ग है, वो कोई भी हो, कोई भी हो, अमीर है कि गरीब है, जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि को वो ही, कौन सी जाति का है कौन से, कोई चिंता नहीं की। 60 साल से ऊपर है तो जाओगे, ट्रेनें स्पेशल जाती है, लॉटरी निकलती है, हर हफ्ते ट्रेन जा रही है, अब तक 50,000 जा चुके हैं, लॉटरी निकलती है, और जिनका नाम पहले निकल आता है वो पहले जाते हैं, उनके साथ गाइड जाता है, उनके साथ डॉक्टर जाता है, भोजन फ्री, आवास फ्री, पूरे स्वागत के साथ तिलक लगा के स्वागत करके ट्रेनों में चढ़ते हैं। और मान लीजिए बद्रीनाथ जाना है तो हरिद्वार उतरेंगे ट्रेन से, वहां से बस में गंगा जी नहाएंगे और फिर बस में बैठेंगे, वहां से जाएंगे बद्रीनाथ दर्शन करके फिर लौट के आएंगे, और लौट के आएंगे फिर हरिद्वार से ट्रेन में बैठेंगे और फिर घर पहुंचाया जाएगा। लेकिन एक बुजुर्ग कहने लगे बेटा
हमारी उम्र तो थोड़ी ज्यादा है, घर द्वार अगर गए और गंगा जी में नहाने उतरे तो पानी तेज बहता है, कहीं उस धार में बह गए तो मैंने कहा तो क्या करूं। अरे कहने लगा और थोड़ी हिम्मत कर, एक जवान और हमारे साथ भेज दे, वो स्नान ध्यान करवा देगा। तो हमने तय कर दिया कि जिनकी उम्र 65 साल से ज्यादा है उनके साथ एक जवान उनको तीर्थ यात्रा करने उनकी पसंद का जाएगा और पूरे सम्मान से तीर्थ यात्रा करके लाएगा। सचमुच में उस आनंद की आप कल्पना नहीं कर सकते जो आनंद उन बुजुर्गों के चेहरे पर होता है तीर्थ यात्रा का, गले से लग कर रोने लगते हैं कि हमने तो जिंदगी में सोचा नहीं था कि हम कभी तीर्थ यात्रा भी करेंगे। मैं इनका जब तक भाजपा की सरकार है ये तीर्थ यात्रा जारी रहेगी, चिंता मत करो बहनें और भाइयों। ऐसे एक नहीं